खत्म कीजिए। यहाँ सर्दी के सितम ने नौनिहालों को बीमारी की जद में ले लिया है। खासकर छोटे बच्चों के लिए दिक्कतें बड़ी हैं, जिन्हें निमोनिया के साथ ही सर्दी जुकाम और बुखार की चपेट में ले रहा है। ये कोई हमारा दावा नहीं, बल्कि प्रदेश में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेके लोन की ओपीडी से आईपीडी की बानगी है। पेश है फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। सर्दी की दस्तक के साथ ही बच्चे मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिसमें सर्दी के चलते निमोनिया सबसे बड़ी बीमारी बनकर उभर रही है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार और उल्टी के साथ ही डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। जेके लोन अस्पताल के डेटा पर नजर डालें तो 1 दिसंबर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बच्चों में बढ़ा है। तारीख में हमारे यहाँ करीब 1000 बेड्स हैं और 1000 बेड्स तो सबसे बड़ी सुविधा होने की वजह से आज राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण बच्चों का अस्पताल होने के साथ साथ हमारे पास हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 5 स्टेट से बच्चों को लाया जाता है। प्रदेश में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेके लोन के ओपीडी में 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 30,000 से ज्यादा बच्चे ओपीडी में इलाज के लिए पहुँचे हैं। इस दरमियान औसतन 70 से 80 बच्चे हर दिन अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो नवजातों से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया की शिकायतें आ रही हैं। अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। बहुत तेज हवा में बाहर घूमने न दें, अच्छी तरह से ढक के रखें, खासतौर से सिर को और कान को ढक के रखें और पैर में मोजे और हाथ में दस्ताने जरूर पहना के रखें। खाने के लिए उनको थोड़ा सा फैट वाला खाना ज़्यादा दें, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ती है और आपके बच्चे को एनर्जी के लिए फैट चाहिए होगा, तो फैट की मात्रा जैसे आप ट्रेडिशनली भी देखते हैं हमारे जब हमारे घरों में लड्डू वगैरह बनाए जाते थे इस तरीके के, क्योंकि वो फैट रिच फूड है, तो ये ऐसा खाना बच्चों को देने से उनमें ठंड को सहन करने की क्षमता बढ़ती है। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए चिकित्सकों की सलाह पर जरूर ध्यान दिया जाए। यदि घर परिवार में कोई बच्चा असामान्य स्थिति में होने लगे तो उसे तत्काल अस्पताल में चिकित्सकों को दिखाएं। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद परिजन भी अपने नौनिहालों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतेंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।